बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिवायतों की लज्जत में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट सोबिया फैसल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम का नाम ही रिवायतों की लज्जत है, तो यहाँ हम आपको वो रिवायती खाने बनाना सिखाएंगे और उन शेफ्स को इनवाइट करेंगे जो आपको उन मखसूस इलाकों की रेसिपीज बताएंगे, जिनको जो सीक्रेट रेसिपीज होती हैं वहाँ की। हमने और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया आज के आपको, आज हम हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली एक कुकिंग एक्सपर्ट है, उनको बुलाएंगे और वो हमें बताएंगी कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। क्योंकि अगर इलाकों की बात की जाए तो हैदराबादी खानों का जिक्र ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाहे फिर वो हैदराबादी मिर्चों का सालन हो, हैदराबादी बिरयानी हो या खट्टी दाल हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो हमारी ख्वातीन के होते हैं कि सुबह उठते ही उनको टेंशन होती है कि आज किचन में क्या बनेगा, और अगर घर वालों से पूछ लिया जाए कि जी क्या बनाना है तो एक ही जवाब मिलता है कि जो मर्जी बना लिया जाए। लेकिन जब जो मर्जी बना लिया जाता है तो फिर शाम को मुंह बन जाता है कि भाई आज दाल क्यों बना ली, सब्जी क्यों बना ली। तो आपको इसके लिए कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके इस मसले को तो हमने अपने इस प्रोग्राम के थ्रू हल कर दिया है। तो इसके साथ ही हम अपने इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं और हमारी जो आज की शेफ है उनको यहाँ बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो हमें आज हमारे किचन में क्या बनाकर खिलाएंगी। तो हमारी जो आज की शेफ है उनका नाम है नौशी आगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं सोबिया? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र। तो आप मुझे बताएं कि आज आप हमें क्या बना के खिलाएंगी? आज हम आपको हैदराबादी दम का गोश्त बना के खिलाएंगे। ओके। और इसके लिए मैं यूज करूंगी। अच्छा, पहले मुझे आप ये बताएं कि हैदराबादी दम का गोश्त, तो क्या आपका ताल्लुक हैदराबाद से है? नहीं, मेरा ताल्लुक हैदराबाद से नहीं है, लेकिन मुझे तरह तरह की जगहों के खाने बनाने का शौक है। ओह अच्छा, तो मीन्स आपको इतना शौक है कि आपने हर जगह के जो मखसूस इलाकों की सीक्रेट रेसिपीज होती है वो भी आपको आती है और आपने बनाना सीखी। तो ये किससे बनाना सीखे आपने? मैंने मुख्तलिफ बुक्स हैं और मुझे क्योंकि शौक है कुकिंग करने का। अच्छा। तो मैंने जहाँ से भी मुझे मिला मैंने वहाँ से। बचपन से ही शौक था या अभी पढ़े होके शौक आया? बचपन से शौक नहीं था, शादी के बाद शौक हुआ है। ओके। और उसके बाद फिर मैं मुख्तलिफ जगहों के खाने बनाने लगी और इसी तरह बनते बनते बहुत सारी चीजें बनने लगी। ओके। तो दम का गोश्त यहाँ बन रहा है, तो आप मुझे बताएं कि हम इसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? दम के गोश्त, वैसे आप गोश्त बकरी का भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं वो है गाय का गोश्त। ओके, हम बीफ यूज कर रहे हैं। बीफ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसको पहले इसको मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेट करके जैसे देखा जाए तो इसको हमको ओवरनाइट मैरिनेट करना चाहिए। ओके ओके। इसलिए क्योंकि जब ओवरनाइट आप मैरिनेट करते हैं तो उसके जो जूसेस हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं और टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है, फ्लेवर आ जाता है। तो हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है। हाँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप जैसे अगर कम टाइम है तो 2 घंटे के लिए भी आप मैरिनेट कर सकते हैं। अच्छा, 2 घंटे भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम क्योंकि जल्दी बनाएंगे तो इस वजह से हम मैरिनेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन करते हैं। आप हमें बताएं कि क्या क्या ऐड करना है इसमें? इसके अंदर हम ऐड करेंगे पहले 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया। ओके, 1 चम्मच लाइक टीस्पून की बात कर रहे हैं? 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, ठीक है। उसके बाद 1 टीस्पून हम लेंगे गरम मसाला। ओके, गरम मसाला, ये मेजरमेंट्स आप लोगों ने लिख लेनी है अपने पास। जी जी, ये गरम मसाला 1 टीस्पून। ओके, क्योंकि मेजरमेंट्स भी आगे पीछे हो जाती है ना, तो फ्लेवर में बहुत फर्क बहुत फर्क पड़ जाता है। जी, उसके बाद हम लेंगे ये काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून। जी, हाफ टी स्पून। उसके बाद नमक आप अपनी मर्जी के मुताबिक यूज कर सकते हैं। ओके। इसलिए कुछ लोग ज्यादा नमक खाते हैं और, जी, तो हमने यहाँ पे यूज किया है 1 टीस्पून। ओके ओके, ठीक है। और यहाँ हमने यूज किया है लाल चिली पाउडर। ओके, तो इसको भी आप अपने ये रेड चिली पाउडर है। जी, ये रेड चिली पाउडर है। आप वैसे इसके अंदर कश्मीरी चिली पाउडर भी यूज कर सकते हैं, उससे कलर अच्छा आएगा, लेकिन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं रेड। ओके, तो ये आपने डालना है, हमने डालना है 2 टीस्पून। दो टीस्पून आप इसको यूज कर रहे हैं, तो लाइक अगर किसी को ज्यादा स्पाइसी पसंद है वो फिर आपके अपने टेस्ट के हिसाब से। तो ये स्पाइसी ही बनेगा या अगर और मजीद स्पाइसी पसंद है तो और ऐड कर सकते हैं इसमें? हाँ, अगर आपको और स्पाइसी डालना है तो वो भी कर सकते हैं। तो हम कराची वाले हैं ना, तो आपको पता है थोड़ा सा स्पाइसी चटपटा सा खाना हमें पसंद होता है। जी जी। और फिर ये है आपका क्यूमिन पाउडर। ओके, ये हम लेते हैं
एक टीस्पून। ठीक है ठीक है, ठीक है? तो अच्छा, ये सारे स्पाइसेस हो गए। इसके अलावा? इसके अलावा जो है हमने यहाँ पे रखा हुआ है जिंजर गार्लिक पाउडर। ओके, जिंजर गार्लिक पाउडर मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, और मेरी ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती है कि इसको डालूं, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा बहुत होता अच्छा है। आता है। तो इसके अंदर मैं यूज कर रही हूँ ये 3 स्पून, आप ले लें जिंजर गार्लिक पेस्ट। 3 टीस्पून? जी 3 स्पून। ओके ओके, थोड़ा सा भर के ले रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। सही, ठीक है, 3 टीस्पून ये ले लें आप। उसके बाद इसके अंदर हम मिलाएंगे ये पपीते का पेस्ट बनाया हुआ है हमने। ओके, तो पपीते का पेस्ट आपने बनाया हुआ है, तो इसको किस तरह से बनाया है? इसको पपीता, कच्चा पपीता जो होता है उसको पीस के और ये बनाया है। सिर्फ पानी डाल के और इसको पीस लिया, क्योंकि कुछ लोग ये होते हैं ना कि उसका छिलका हटाते हैं और कुछ लोग नहीं हटाते हैं। नहीं, हमने इसका छिलका भी हटाया है और उसके बाद पीस के इसको बनाया है, क्योंकि हम अगर बकरे के गोश्त में उसका हाफ यूज करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम गोश्त यूज कर रहे हैं गाय का, तो हमने इसमें एक चीज और, टाइम भी हमारे पास कम है तो उसको डालेंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि उसको गलने में भी टाइम लगता है बीफ को, तो हमने ये 1 चम्मच इसमें डाला। ओके, तो आपके घर में वैसे ये रेसिपी किसको पसंद है ज्यादा? मेरे बच्चे और हस्बैंड सब बहुत शौक फरमाइश से आती है, बहुत फरमाइशें होती हैं। ओके, अच्छा, और फिर इसके अंदर हम ये डालेंगे लेमन जूस। ओके, ये कितना लिया है हमने? ये हमने 1 स्पून। एक स्पून? जी। ओके, 1 टीस्पून। 1 टीस्पून लिया है हमने। ओके, ये है दालचीनी। ओके, और ये है खोपरा। ओके, और ये है लौंग। तो हमने 3 लौंगे। ओके, और 2 स्टिक दालचीनी की, और हमने 10 पीस ऑफ खोपरा लिया है। ओके ओके, और उसका पेस्ट बना। अच्छा, इसको आपने क्रश कर दिया, मिक्सचर बना लिया इसका। ओके, तो ये सारा बना दिया है, तो ये तो बिल्कुल कोई नई सी चीज लग रही है, क्योंकि इसमें इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो ये हमने इसमें डाला है। आपने किससे बनाना सीखा ये? मैंने, मुझे शौक है। ओके, मैं मुख्तलिफ जगहों से देखती रहती हूँ, यूट्यूब है, मैगजीन्स हैं उनसे। ठीक है, अब हमने ये सब डाल दिया है, हमको इसमें ये डालना है मिंट। ओके, फ्यू पीस ऑफ मिंट। ओके, और ये थोड़ा सा धनिया। ओके, और उसके बाद हमने यूज़ करना है ये आपको ग्रीन चिली, हमने 2 रेड चिलीज ये लेनी कितनी है? लेनी है ग्रीन चिलीज, ग्रीन चिलीज कितनी लेनी है? 2। ओके, तो आप इसको चॉप कर रहे हैं? हाँ, चॉप करके ये मैंने इस तरह से लंबाई में काट के। अच्छा, इसको बीच से कट लगा के और ये आप इसमें ऐड कर रही हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा स्पाइसी तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने इसमें रेड चिली भी डाली है और अब आप इसको ग्रीन चिली को भी इसमें ऐड कर रही हैं। ग्रीन चिली को आप फिर काटें नहीं। अच्छा, क्योंकि काटने से तो फिर उसका फ्लेवर ज्यादा। ओके, तो अगर ज्यादा स्पाइसी आप लोग नहीं खाना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको कट ना करें और इसका टेस्ट आ जाए, इसके लिए आप इसको ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। जी, और उसके बाद फिर ये हमारे पास है काजू का पाउडर। ओ अच्छा, काजू का पाउडर बनाया आपने? 12 काजू हैं। ओके, उसको हमने रोस्ट किया है और उसका पाउडर, रोस्ट करके और फिर उसका पाउडर बनाया है। वाओ, फिर ये भी हमने इसमें डाल दिया है। ओके, और अब बारी है, ये तो कोई मुझे बहुत ही रिवायती और जो मुगलाई दौर की होती थी ना, जिसमें नट्स भी यूज होते थे, तो उस तरह की रेसिपी लग रही है। जी, अब ये है बादाम का पेस्ट। ये भी बादाम को भी हमने पीस लिया है, इसको भी हमने पहले रोस्ट किया था। ओके, उसके बाद पीसा है। ओके, ठीक है, बादाम और काजू को रोस्ट करके। अच्छा, ये हम साथ में भी कर सकते हैं? हाँ, ये हम साथ में भी कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अलग अलग। ओके, तो आपने मुझे बताया कि बादाम की क्वांटिटी नहीं बताई कि कितने? 12 बादाम। ओके, 12 बादाम, क्योंकि ये हाफ के जी है ना। हाँ, इसके अंदर आप 12 बादाम। ओके, और 12 आपने काजू लिए हैं। ओके, और ये सब भी मिक्स करके बना सकते हैं ना, बादाम, काजू, खोपरा एंड दालचीनी और लौंग जो आपने बताया। हाँ, वो सब मिक्स करके भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर अब हमने आपका लेना है बटर। ठीक है, तो ये बटर आपने इसमें ऐड करना है? जी, इसलिए ये सब कुछ ऐड करके और उसके बाद फिर इसको पकने के लिए रखना। ठीक है, तो हम इसमें बटर ऐड करते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आप ब्रेक के बाद आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि अब आगे हम इसको किस तरह बनाने वाले।
वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। रिवायतों की लज्जत में आज बन रहा है हैदराबादी दम का गोश्त। तो हम ब्रेक में जाने से पहले इसमें बटर मिक्स कर रहे थे। अच्छा, बटर की क्वांटिटी आपने मुझे नहीं बताई कि बटर इसमें आपने कितना ऐड किया है। बटर हमने 3 टेबल स्पून यूज किया है। ओके, 3 टेबल स्पून जी। Okay. अब हम इसमें दही मिलाते हैं। ओके, दही जो है हमने अच्छी तरीके से फेटा हुआ है। ओके, और 200 ग्राम हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर। ओके, 200 ग्राम दही ब्लेंड किया हुआ हम इसमें ऐड करेंगे। अब बारी है फ्राई प्याज की। ओके, ऑनियन को आपने फ्राई कर लिया है। जी, ऑलरेडी हमने फ्राई करके रखा है। और ये 3 अनियंस हैं। 3 अनियंस को हमने बारीक काट के और इसको फ्राई किया है। ओके, ठीक है। तो ये हम इसके अंदर मिलाएंगे। ओके, क्रश करके। ओके, क्रश करके 3 अनियंस लेकर उनको फ्राई करके और हम इसमें जो मैरिनेशन हम बना रहे हैं उसमें ऐड करेंगे। जी। ओके, और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ओके, ये ज्यादा हो गया, आपने थोड़ा सा छोड़ दिया है ना। जी, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो ये इसको हम अच्छी तरीके से, ये 1/2 kg मीट के हिसाब से मैरिनेशन हम आप लोगों को बता रहे हैं। जी। ओके, तो इसको हम करके मैरिनेट करके रखेंगे। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि ये ओवरनाइट हो तो ज्यादा बेटर है, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं हो तो आप 2 घंटे तक कर सकते हैं। अच्छा, इसको बनाने के बाद क्या इसको आप सर्व कैसे करते हैं? लाइक आपके घर में नॉर्मली किस तरह खाया जाता है? रोटी के साथ या चावल के साथ या नान के साथ? हम लोग नान के साथ ज्यादा करते हैं। ओके, वैसे नॉर्मली लोग जो होते हैं ना वो चावल के बड़े शौकीन होते हैं, तो कुछ भी उनको मिल जाए तो वो चावल के साथ तो चला ही लेते हैं। लेकिन ये इसका मजा असल आएगा नान के साथ। नान के साथ, गर्मा गर्म नान। ओके, अच्छा, तो आप यहाँ आ जाए। अच्छा, ठीक है। अब आप अपना स्टोव संभालें तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। इसमें ऑयल नहीं डालेंगे हम? नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑलरेडी मक्खन डाला हुआ है। ओ अच्छा, तो इसमें बटर हमने डाला है, तो अब ये बटर में ही कुक हो जाएगा। जी, ये बटर में कुक होगा और उसकी जब खुशबू होगी तो फिर आप चलें देखते हैं। खाने का वैसे मजा जो है वो उसके खुशबू से ही आता है। जी जी, तो अब हम इसको मैरिनेट करके हमने इसको इसमें डाल दिया है। जी, तो अब ये बनना स्टार्ट हो गया। जी, अब ये बनना स्टार्ट हो गया। हम इसको पहले तो फुल फ्लेम पे। जी। ओके, ये सुबिया हम वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, अब हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसको 2 मिनट के लिए हम तेज आंच के ऊपर पकाएंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। ठीक, उसके बाद हम इसके ऊपर फॉइल लगा के और ढक के हल्की आंच के ऊपर 40 मिनट तक पकाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये मीट तो वैसे भी गलने में अपना पूरा टाइम लेता है। ओके, हाँ, और इसलिए हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे। तो ये तैयार होने के बाद किस तरह होगा? लाइक ग्रेवी के साथ होगा या ड्राई होगा? ये भुना भुना होगा। भुना भुना सा होगा। तो अगर कुछ लोग उसको राइस के साथ खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं। ये मूड पे डिपेंड करता है। ठीक है जी, हम इसको पकाना शुरू करते हैं। आपके घर में वैसे सबसे ज्यादा किसकी फरमाइश आती है कि ये ही मुझे खाना है आज और आप ये बना के दें? मेरे घर के अंदर जो सबसे ज्यादा फरमाइश आती है मेरे बेटे की। अच्छा, बेटे की, बेटे को पसंद है? बेटे को बहुत पसंद है और वो इसी टाइप के जो। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इसको आपने कहा मटन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं, तो क्या चिकन में अगर खाने का मूड हो तो इसी तरीके से हम बना सकते हैं चिकन को भी? ये डिपेंड करता है कि आपको अगर दिल चाह रहा है तो नेचुरली इंसान कुछ भी बना के खा सकता है, टेस्ट कर सकता है, लेकिन जो इसका असल मजा है वो मटन में है और बीफ के अंदर। बीफ में है, ठीक है। तो अब इसमें जरूरत है पानी डालने की? अभी हम इसको देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा भून लें 2 मिनट के लिए। जब थोड़ा सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए तो फिर हम इसको ढक के बनाएंगे। खाने के बारे में भी वैसे कहा जाता है कि ये आर्ट तो है ही, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी साइंस होती है, क्योंकि जिस तरह से आपने चीजें बताई, अगर उनको इसी तरह से मैरिनेट नहीं किया जाए, आगे पीछे डाल दिया जाए, समटाइम्स ये होता है कि हम आलू बना रहे होते हैं तो उसमें अगर नमक हम पहले डाल देते हैं तो वो गलते नहीं है। इसी तरह दही का भी होता है, टमाटर का भी होता है, तो इसका भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है ताकि आपके जो टेस्ट है वही टेस्ट आए जो आप बता रही हैं हमें। वैसे इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। आ गई है ना, इसलिए क्योंकि इसमें जो फ्लेवर है उसका, जो आपने ड्राई फ्रूट्स डाले उसका होगा, उसमें मक्खन का है तो वो आपको, और गरम मसाला और ये लहसुन अदरक, इसका तो अपना ही एक फ्लेवर और एक खुशबू निकलती है। जी जी, तो अभी हम इसको थोड़ा सा पकना शुरू हो गया है ये। ठीक है,
तो अब ये अपने ही पानी में गल जाएगा या हम इसमें वाटर ऐड करेंगे? हम क्योंकि ये बीफ है, हमको थोड़ा सा वाटर डालना पड़ेगा इसलिए क्योंकि बीफ गलने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके तो इसी वजह से हम बिल्कुल थोड़ा सा डाल के और इसके ऊपर फॉइल लगा के इसको थोड़ा पकने देते हैं आहिस्ता। ठीक है, तो आपने जैसे कि बताया कि हम इसको चिकन में भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर समटाइम्स ये होता है कि कभी अचानक से कोई गेस्ट आ गए घर पर तो बीफ को गलने में बहुत टाइम लगता है, तो झटपट से अगर बनाना हो तो उसको चिकन में भी हम बना सकते हैं। जी जी, चिकन बना के ट्राई कर सकते हैं कि कैसा बन के आता है। जी ऑफ कोर्स अच्छा आएगा क्योंकि उसके अंदर जो बटर है और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, उनका तो टेस्ट ही अलग होगा। लेकिन चिकन अगर हम बनाएंगे तो आई थिंक ये जो आपने पपीते का पेस्ट इसमें ऐड किया था, हाँ उसमें पपीते का पेस्ट नहीं होगा। नहीं होगा क्योंकि चिकन तो वैसे ही इतना ज्यादा टाइम जल्दी गल जाता है। सही है, और वो अपने ही पानी में गल जाता है ना, उसमें टाइम नहीं लगता। ठीक है जी नाजरीन, तो सुना आपने कि आप यही डिश, यही सेम डिश जो है हैदराबादी दम का गोश्त, आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं और तो और चिकन में भी ट्राई कर सकते हैं। सुबिया जी प्लीज मुझे वहां से फॉइल दीजिएगा। फॉइल फॉइल चाहिए आपको? जी जी। इसमें से अब हम ये थोड़ा सा पकना शुरू हो गया है। ओके ये फॉइल का आप क्या करेंगे? फॉइल हम इसके ऊपर लगा के और फिर इसके ऊपर इसका ढकना रख देंगे। अच्छा, ताकि तो फॉइल लगाने की कोई खास वजह? इसलिए क्योंकि वो फिर सारी स्टीम बाहर नहीं जाएगी ना, उसी के अंदर फिर वो अच्छा, पकना शुरू हो जाएगा। उसी के स्टीम से पकेगा और आई थिंक थोड़ा जल्दी भी पक जाएगा। जल्दी भी पक जाएगा जी। ओके अच्छा, मुझे बताएं कि इसके अलावा कोई ऐसी टिप है कि जिससे अगर गोश्त को जल्दी गलाना हो तो वो गल जाए? इसके अलावा जी मैं कर ये मुझे दे दे। तो स्टोव इसका हम कम कर रहे हैं? कम कर रहे हैं जी। okay. इसका स्टोव कम कर दिया है हमने और अब हम इसको अच्छी तरीके से बंद करते हैं। जी सोबिया, तो आप मुझसे पूछ रही थी कोई और टिप? बिल्कुल, तो मैं आपसे ये टिप जानूंगी लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। जब तक ये गलना शुरू हो गया है हम ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या किस तरह का ये बन के निकलता है, तो जब तक आप हमारे साथ ही रहिएगा और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, तो यहाँ रिवायतों की लज्जत में आज बन रहा है हैदराबादी दम का गोश्त। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और देखें कितना धुआं निकल रहा है, पता चल रहा है कि बीफ बिल्कुल गलने वाला है। जी बीफ बिल्कुल गल गया है। और ब्रेक में जाने से पहले आप मुझे कुछ टिप बता रही थी। हाँ मैं आपको टिप बता रही थी गोश्त गलाने की। जी तो गोश्त गलाने के लिए आपने देखा है लहसुन होता है, लहसुन के बीच का जो एक स्टीम होता है बीच में, आप उसको निकाल लीजिए और गोश्त जब पका रहे हों तो आप उसको उसमें डाल दीजिए। ओके तो ये हर घर के अंदर होता है। अच्छा, तो अच्छा। आप ये कर सकते हैं तो उससे गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है, बहुत जल्दी। तो मटन के लिए है या बीफ के लिए या दोनों के लिए? दोनों के लिए। दोनों के लिए अगर जल्दी बनाना हो और आपके पास टाइम कम हो तो आप ये टिप भी यूज कर सकते हैं। और पपीता घर में ना हो तो भी? पपीता घर में मौजूद ना हो और अचानक से मेहमान आ जाए। अच्छा, कुछ लोग वो जो पाउडर यूज करते हैं गोश्त गलाने वाला पाउडर होता है, तो वो उसका उसको यूज करना चाहिए वैसे? हाँ वो यूज कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास इजी और इस तरह की चीज घर में मौजूद है जो हर घर में होती है तो फिर आप वही यूज करें। कुछ लोग छालियां भी यूज करते हैं, मैंने सुना है गोश्त गलाने के लिए। जी छालियां भी यूज करते हैं, लेकिन आई थिंक हर कोई पान नहीं खाता वो छालियां हो, लेकिन लहसुन अदरक हर कोई खाता है। जी जी बिल्कुल, तो हमने आपको जो है वो चार चार तरह के तरीके बता दिए कि आपके पास छालियां अवेलेबल है अगर तो घर में गोश्त गलाने का पाउडर अवेलेबल है, नहीं तो लहसुन अवेलेबल है, अगर कच्चा पपीता अवेलेबल है तो किसी भी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। अचानक से अगर मेहमान आ जाए तो किस तरह से आप जल्दी झटपट बना सकते हैं। डिश आउट कर रहे हैं, डिश आउट कर रहे हैं अब हम। ओके, खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है, अब हम उसको टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। वाओ बहुत डिलीशियस लग रहा है।
इसके अंदर आपको सारे फ्लेवर्स मिलेंगे, इसमें बटर का फ्लेवर भी आपको मिलेगा और इसके अंदर हम चूल्हा बंद कर देंगे। ये बटर में जो बनाया है ये एक नई रेसिपी है, क्योंकि नॉर्मली हम घर में जब खाना बनाते हैं तो या तो हम ऑयल में बनाते हैं या घी में बनाते हैं, लेकिन ये बटर में जो बना हुआ है और इसकी जो खुशबू है, ओफ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने तो ये रेसिपी खुद ही, आपको बनाने खाना बनाने का शौक है तो आपने तो सीख ली बुक से और नेट से, लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर पर मेहमान आए हों और आपने ये डिश अगर बनाई हो तो उन्होंने आपसे रेसिपी पूछी हो कि किस तरह बनाया हमें बताना है? अक्सर लोग पूछते हैं। अच्छा फिर तो आपको फरमाइश भी आती होगी कि अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा हमने मिंट डाल दिया है और कोरिएंडर डाला है। खाने की जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर भूख ना भी हो, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, खुशबू अच्छी आ रही हो तो भूख नहीं भी लगती तो भी ऐसा होता है कि हमें दिल कर रहा होता है खाने का। आप यहाँ आ जाए आराम से। वेरी नाइस, देख सकते हैं किस तरह से इसकी जो लुक्स आ रही है, क्योंकि खाना अट्रैक्ट ही इसी तरह करता है कि एक तो उसकी खुशबू अच्छी होनी चाहिए और उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें भूख नहीं भी लग रही होती तो हम कहते हैं कि नहीं चलो कोई बात ही थोड़ा सा खा लेते हैं, क्योंकि उसकी खुशबू इतनी मज़े की होती है, अट्रैक्ट कर रही होती है अपनी तरफ। जी नाजरीन, तो आप देख सकते हैं कि हैदराबादी दम का गोश्त बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं कि देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। जिन्होंने अभी अभी हमें ट्यून इन किया है उनके लिए ये रेसिपी कार्ड। दम का गोश्त, अज्जा बीफ या मटन आधा किलो, पिसा हुआ अदरक लहसुन एक चाय का चम्मच, तली हुई प्याज 3 अदद, फेंटा हुआ दही 200 ग्राम, हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया और पुदीना चंद पत्ते, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ जीरा आधा चाय का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, मक्खन 3 खाने के चम्मच, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ पपीता आधा चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका, पेस्ट के लिए 12 अदद बादाम, 12 अदद काजू, नारियल के टुकड़े 10 अदद, लौंग 3 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, दालचीनी 4 छोटे टुकड़े। सबको मिलाकर पाउडर बना लें। तरकीब, तमाम अज्जा को गोश्त में मिक्स करके पूरी रात के लिए रख दें। अगर टाइम ना हो तो कम से कम 2 घंटे मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रख दें। अब पैन में मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल के तेज आंच पर 2 मिनट तक पकाएं। पतीली के ऊपर फॉइल लगाकर ढक दें और हल्की आँच पर गोश्त गल जाने तक पकाएं। फिर भून कर डिश में निकाल कर गार्निश करके गर्मा गर्म नान के साथ नोश फरमाएं। जी नाजरीन, तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी, जिसको आप अपने घर में आराम से बना के इंजॉय कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपके घर में कोई दावत है तो ये मज़ेदार सी रेसिपी आप बना सकते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि जो इलाकों की मखसूस रेसिपीज़ होती हैं, मखसूस इलाकों की सीक्रेट रेसिपीज़ जो आपको नहीं पता होती, तो हम अपने शेफ्स को यहाँ बुलाते हैं और वो आपसे शेयर करते हैं ताकि वो आपके और हमारे किचन की रौनक बन सके। जी तो बताएं आपको कैसा लगा हमारे इस प्रोग्राम में आकर? मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में आके, और आप भी चख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बिल्कुल, हम इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं। खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी आ रही है और चूंकि आपने हमें इतनी मज़े की रेसिपी बताई है तो एक बार फिर से हम आपको ज़हमत देंगे कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आएं और हमें कोई नई अच्छी सी सीक्रेट सी रेसिपी जो आप यहाँ वहाँ से सर्च करके ढूंढती हैं और ख़ुद भी उसको एक्सपेरिमेंट करती हैं, घर पर बनाती हैं, तो हम चाहेंगे कि क्यों ना हमारे स्टूडियो में आकर और हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर करें। जी नाजरीन, तो ये आज की हमारी रेसिपी थी जो हमने आपसे शेयर की। आई होप आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। खुशबू तो इसकी बहुत मज़े की आ रही है तो हम इसको ट्राई करके भी देखेंगे कैसी है। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमारा दिल तो नहीं कर रहा लेकिन क्योंकि वक्त कम है, इतना ही वक्त था तो हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, अगले प्रोग्राम में किसी दूसरे शेफ़ के साथ नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।